की खबर मुंबई हादसे से जुड़ी हुई है। मुंबई हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ी है, दुखद खबर है। हादसे में 12 की मौत हुई है और 43 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तूफान में होर्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ था। मुंबई के घाट कोपर में यह तबाही हुई थी। सरकार ने हाई लेवल जांच के निर्देश दिए हैं, यानी हाई लेवल जांच के निर्देश सरकार ने दिए हैं, एनडीए की सरकार ने। तूफान में होर्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है और जाहिर सी बात है इसमें देखा यह जाएगा कि ये होर्डिंग लगाई कैसे गई थी, किस लापरवाही तरीके से लगाई गई थी कि आंधी आई और इतनी तेज आंधी भी नहीं थी कि स्थिति बद से बदतर हो जाए। ये होर्डिंग गिर गई और मुंबई में तो मान लीजिए आप अपने शहर में जितनी होर्डिंग देखते होंगे उसके अनुमान के दुगनी बड़ी और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। अब ज़रा सोचिए इस होर्डिंग के गिरने से कितने लोगों की जान गई है। सरकार ने कहा है कि इस पर हाई लेवल जांच कीजिए और फिलहाल ये अभी की तस्वीर है। इसमें अपडेट यह है कि 12 लोगों की मौत हुई है, 43 लोग घायल हैं और जितने भी घायल हैं उन सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये फिलहाल अभी की तस्वीर है जहां पर रेस्क्यू का कार्य अभी भी वहां चल रहा है। और ये दूसरी तरफ जो हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं ये कल की तस्वीर है, जब ये हादसा हुआ था उस वक्त की तस्वीर है। तूफान की वजह से ये होर्डिंग गिर गई थी और आज ये सुबह की तस्वीर है। 12 लोगों की जान गई है, यानी लापरवाही इतनी ज्यादा कि 12 लोगों की मौत जिम्मेदार है। इसीलिए तो सरकार ने कहा है कि हाई लेवल जांच की जानी चाहिए। और 43 लोग चपेट में आए हैं, जो जख्मी हैं इसमें से कई लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं।